चल पागल चल 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 बैठ चल चल चलो गाड़ी में डालो चल बैठ चल 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 कर चलो चलो जल्दी चल चल इसका मुंह बंद बंद चल निकल बाहर चलो ले क्या उसे चुप कर चल ले आए भाई। ए, मेरे बेटे को पब्लिक में चप्पल से मारा तूने, अब उसी से तेरी शादी कराऊंगा। डीजल रुक जाओ तू आंखों में वारंट वर्क में वॉयलेंट पूरे हिंदुस्तान की जनता को अपना फैन बनाने का टैलेंट पावर स्टेशन को पावर देने वाला पावर स्टार का फैन हूँ ये सूर्या उसका फैन है तो हमको मार देगा क्या ये अपन का एरिया है चल फुट ले यहाँ से चार लड़कों को लेके अपनी गली में खड़े होके उसे अपना एरिया कहने के दिन चले गए ना मर्द लोग ही ये सब करते हैं समझे दिखने में तो अमूल लग रहा है तू और अंडरवर्ल्ड की तरह बोल वचन चेहरे पर दाढ़ी बढ़ाकर कमजोरों पर जुल्म ढाकर जो कहते हैं कि हर गली में हमारी हवा चलती है मर्द नहीं होते एक बात समझा देता हूँ हर इंसान के हार्ट में चार चीजों के लिए जगह होती है प्यार के लिए इंसाफ के लिए दुश्मनी और हिम्मत के लिए हम भाई के चाहने वालों में ये चारों चीजें पहले से मौजूद हैं तुम लोगों में सिर्फ दम है लेकिन मेरे जैसा दम वाला मर्द अगर एक पंच मारेगा ना एक साल लगेगा बिस्तर से उठने को ये बहुत ज्यादा बोल रहा है इसकी बोलती बंद करो Yes! Yeah!
तुमने? अरे कौन 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 कौन? पावर स्टार पुनीत का फैन। नहीं, इसके लिए हमारे गुरु ही सही हैं। वो ही सब ठीक करेंगे। गुरु, गुरु। गुरु, ज्यादा मत अकड़ो। अब ये क्या है गुरु? उस लड़की ने मुझ पे हाथ उठाया। मेरे होते हुए मेरे दोस्त के ऊपर एक लड़की ने हाथ उठाया? बाप रे, ये क्या हो गया? ए, उसे यहाँ बुला। यही है। वाह वाह, कितनी खूबसूरत है। किस मोटू के पीछे पड़ गई? अगर ये मुझे मिल जाती ना तो इसे कैच पकड़ के इसके साथ मैच खेल लेता। गुरु, ए, तूने मेरे दोस्त पे हाथ कैसे उठाया? हाँ। दिल कर रहा है एक और दूं। तो फिर सोच क्या रही हो, दे दो उसे। क्या? मेरे कहने का मतलब है कि उसे अपना दिल दे दो। मेरा मूड नहीं है। वैसे भी मोटू को देख के कैसे मूड बनेगा? अब मूड बनता नहीं है, मूड बनाना पड़ता है, समझना पड़ता है। मतलब देखो, MG रोड में, ब्रिगेड रोड में पिज्जा, बर्गर, अरे जगह जगह मिलता है, समझी? सी, इतना ही नहीं, फुटपाथ से पतीला भर भर के स्नैक्स लेकर और थिएटर हॉल में कॉर्नर की सीट पकड़कर तुम फिल्म देखती थी। अरे इतना ही नहीं, शॉपिंग करने के लिए स्कर्ट, मिनी स्कर्ट, क्या कुछ नहीं खरीदवाया तुमने इससे। ये स्कर्ट वही है ना? हाँ, ये स्लीपर वही है ना? इसके साथ साथ ये लाली पाउडर, ये सब मेकअप की चीजें। अरे इतना ही नहीं, हफ्ते में 4 दिन पार्लर जाकर अपने मुंह पे पेंट लगाती थी तुम, और उसके साथ सुनसान जगह में जाके बैठकर उससे अपने पार्लर का सारा बिल भरवाती थी तुम, और अब कहती हो कि मूड नहीं है। हाँ, अरे तुम्हें पता नहीं है, तुमसे प्यार करने से पहले इसके 8 उंगलियों में सोने की अंगूठिया थी, गले में चैन, हाथों में ब्रासलेट पहनता था। अरे इसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे रहते थे, पता है? तुमसे मिला और देखो इसकी कैसी हालत हो गई है। भाइयों मेरी बात सुनो, जब तक लड़कों के जेब में पैसे होते हैं ना, तब तक ये लड़कियाँ पीछे पीछे घूमती है, और जैसे ही पैसे खत्म हो जाते हैं ये लड़कियाँ भाग जाती है। अगर यकीन नहीं आता तो मेरे दोस्त को देखो। तुम यहाँ क्या कर रही हो जानू? मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और तुम मेरे सामने मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड को पटाके ले जा रहे हो। हाँ, तुमने मुझे क्या कोई कॉमेडी पीस समझ के रखा है? मैं इतनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, मैं इसे नींबू की तरह निचोड़ दूंगा। गुरु, मैं पे कर चुका हूँ, चाहे तो कल तुम बुक कर लेना। हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। गुरु, अरे सुन ना त्रिमुखी, अरे यार तू दुखी मत हो। अरे भाई सुन ना, वो क्या है कि मैं कॉलेज में कई लड़कियों पे लाइन मारता था, मगर कोई पटी ही नहीं। ए, तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। लेकिन लास्ट में वो स्नेहा पटी ना, तुझे भी कोई ना कोई लड़की मिल ही जाएगी, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है यार, अभी तो तू 65 का ही तो है। 42 42 है क्या? ओके फाइन। हे विजय, वो देख स्नेहा आ गई। हाय हाँ स्नेहा। तुम दोनों मेरे ही बारे में बात कर रहे थे ना? वो क्या है ना कि तुम आ रही थी ना, तो तुम्हारे वॉकिंग स्टेप के बारे में अपने दोस्त को बता रहा था। बड़ी होशियारी दिखा रहे हो, जब वॉक करने के लिए आती हूँ तो कहते हो स्लीपर पहन कर नहीं आई, और अब वॉकिंग स्टाइल के बारे में बात कर रहे थे। अरे यार वो अपना सूर्य कहाँ है? उसे छोड़ो यार, वो करेक्ट टाइम पे एंट्री देगा। हाँ ठीक है ठीक है। ओह गॉड, इतना लेट हो गया। हाय। हे।
ओके हाय सूर्या हाय सूर्या हाय सूर्या हाय देखो आ गया चल चल हाय सूर्या हाय क्या हुआ आज कॉलेज खाली खाली लग रहा है वो क्या है आज इमरान हाशमी की फिल्म रिलीज हुई है सारे उधर ही गए हैं ए तू इतना उदास क्यों दिख रहा है क्या हुआ कुछ बोलता क्यों नहीं चाटा मारा अच्छा हाँ सूर्या ये एक लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा था ना पता है वो इसे यूज करके इसे बाय कहकर अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ चलती बनी देख यार लक्की तुझे एक बात समझाता हूँ पैसा देख के आने वाली का साथ मार्केट तक का और दिल देख के आने वाली का शमशान जाने तक का ये बात तू समझ ले तुझे जरूर कोई ना कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी अरे कितने सारे फिल्मों में सुपरस्टार ने कहा है छोटी नहीं मिली तो बड़ी मिल जाएगी दोनों नहीं मिली तो तीसरी मिल जाएगी समझा सही है ना बोलो है कहाँ अमर प्रेमी दिखाई नहीं दे रहे वो तो महान लोग हैं उसी मामूली स्पॉट पे बैठ के एक दूसरे की कही हुई बातें एक दूसरे को फिर से दोहरा रहे होंगे और रोज का राग आलाप रहे होंगे बस यही और क्या पूजा ये दुनिया भी कितनी अजीब है ना ऐसा क्यों हमें प्यार करने के लिए माँ बाप भाई बहन घर वाले नाते रिश्तेदार फ्रेंड्स वगैरह इतने लोग होने के बाद भी इस नादान दिल को सुकून ही नहीं मिलता कहीं दूर जो हमें दिखाई नहीं देता उस प्यार को ढूंढता ही रहता है तुमने सही कहा प्यार करने के लिए माँ बाप रिश्तेदार फ्रेंड्स रिलेटिव सबकी जरूरत होती है सच्चा प्यार मिल जाने के बाद ही इस नादान दिल को सुकून मिल जाता है पता है इस प्यार के ढाई अक्षर के पीछे दुख दर्द मौत और फिक्र ऐसी कई तकलीफें होने के बावजूद इंसान को उसका प्यार मिल जाए जिंदगी में और क्या चाहिए दो दिलों के मिलन के अलावा बाकी सब कुछ बेकार है पूजा इस प्यार के दो शब्द के अंदर भगवान ने ना जाने कितनी शक्ति भरती होगी प्यार में ताकत होने की वजह से ही कितने प्रेमियों ने अपने प्यार को अमर बनाकर हम जैसों के लिए मिसालें खड़ी की हैं जॉगिंग करने के बजाय गाल पे हाथ रख के क्यों बैठा है ए क्या हुआ तू यहाँ ऐसे क्यों बैठा है वो क्या है पता नहीं ये फोटो ठीक से क्यों नहीं आ रही एक्सक्यूज मी आएगी तू यस एक फोटो खींचना तो श्योर ये लीजिए अरे तुम्हारी फोटो नहीं हमारी फोटो ओ आप दोनों का ये लीजिए अरे इस अकेली का नहीं हम दोनों का ओ तुम दोनों का लाइए निकालता हूँ ये चश्मा गड़बड़ कर रहा है चश्मा हटाओ चश्मा हटा दो हाँ ठीक है जैकेट निकालो धूप में चमक रहा है अच्छा नहीं लगेगा ये फोटो खींच रहा है कि कपड़े उतरा रहा है पता नहीं कैसे फोटो खींचेगा ठीक है लाओ अच्छा है फोटो सही निकाला है चलो अब हमारा फोटो ले लो जल्दी लो जल्दी लो ले लो
कोई तेरी तरह किसी दूसरे की गर्लफ्रेंड के साथ सेल्फी निकालेगा तो वो चमाट मारे बिना छोड़ेगा क्या? अरे कोई बात नहीं, घर जाके सिकाई कर लेना। नित्या, अभी तो तुम ठीक थी, अब क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं सूर्या, मैं मेरे मामा के लड़के से बहुत टॉर्चर हो गई हूँ। रिस्पॉन्स ना देने पर भी वो चेक करता रहता है। मामा का लड़का कौन है, दिखा मुझे। नित्या जरा करीब आ। यार मैं रात को तुझे फोन कर रही थी, तूने मेरा फोन ही नहीं उठाया। कहाँ बिजी थी रात भर? हाँ हाय हाय। क्या हुआ, तू फोन पर कह रही थी कि घर में कुछ प्रॉब्लम है, क्या हुआ? हाँ यार बहुत परेशान थी, करेक्ट टाइम पर सूर्या ने हेल्प की। सूर्या तेरा ही नहीं, किसी भी फ्रेंड का प्रॉब्लम हो तो आगे आता है। हाय। वो देखो सूर्य आ रहा है। हाय सूर्य। हाय हाय हाय। क्यों, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना? हाँ, ओके ना, सब ठीक हो गया, तुम्हें थैंक्स। अरे कोई बात नहीं, ओके बाय बाय। इसलिए मैं सूर्या को बहुत पसंद करती हूँ। आई लाइक हिम एंड आई लव हिम। वो ऑलरेडी एंगेज हो चुका है यार। होने देना। ये जानते हुए उससे लव करती हो तो मेंटल हो क्या? हाँ मैं मेंटल हूँ। बचपन से जो भी चाहा मैंने उसे हासिल किया है, अपना बनाया है, आज भी वैसी ही हूँ। सूर्या को चाहती हूँ, मैं उसे अपना बना कर ही रहूंगी। ए कितनी सारी लड़कियाँ उसके पीछे पड़ी थी पर वो केयर नहीं करता, तो तुम क्या हो, चांस ही नहीं है। वो एकदम श्री राम जैसे हैं। वो विक्रम था ना यहाँ का हीरो, मैं उसे लाइन मार कर लाइन पर लाई। फिर सूर्या क्या चीज है, तू देखती जा, अब एक हफ्ते के अंदर सूर्या की बाइक की बैक सीट पर मैं तुझे मिलूंगी। ट्राई कर देखती हूँ। ओके चल यार। भाई ये तुम्हारी वाली है ना? हाँ यार। भाई और ये दिखा। अरे ये कौन है यार, मेरी वाली के साथ? हाय सूर्या। हाय। लेट क्यों हुए? जरा काम कर रहा था इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। अरे यार कौन है इस वक्त? अरे रुको रुको आ रहा हूं। नालायक सोने भी नहीं देते, मरने के बाद कॉकरोच बनेंगे साले। कौन है यार इस वक्त? आया आया रुको। हाय सूर्या। नित्या इस वक्त तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमसे मिलने को दिल किया इसलिए आ गई। तुम पागल हो क्या, सुबह कॉलेज में भी तो मिल सकती थी, इस वक्त तुम अकेले क्यों आई यहाँ? वो सब मुझे नहीं पता, बस सर दुख रहा था और नींद भी नहीं आ रही थी, तुम्हारी याद आई इसलिए आ गई। चलो अंदर चलो।
ऐसा था तो फोन पे ही बात कर लेती। सूर्या। सूर्या। हाँ बोलो ना। वो क्या है बोलो ना। मैं कुछ मांग रही हूँ, तुम ना मत कहना। हाँ अरे दिमाग मत खराब करो, बोलो। वो तुम्हें किस दोगे क्या? क्या किस? एक किस ही तो मांग रही हूँ, जब भी सर दर्द होता है तब एक किस करने से ठीक हो जाता है, इसलिए मैं अभी इस वक्त आधी रात बीत चुकी है, आत्माओं के भटकने का समय है। अगर किस के बाद आगे बढ़ के कुछ और हो गया तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, तुम होगी। जो होता है होने दो, I'm ready। लड़की जब रेडी कह रही है तब लड़का आगे नहीं बढ़ा तो उसके लिए शर्म की बात है ना? कल कुछ ऊंच नीच हुई तो उसके गवाह आप ही होंगे। आओ ना। अरे कहाँ है वो? अरे देख वहां पे सूर्या है, चल 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 चल। अरे चल जल्दी कर, चल। सूर्या वो क्या हुआ? वो मीनानाथ। हाँ। ये क्या है सूर्या, तुम अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हारा कहा मानकर मैंने इसे कॉलेज में रखा, तो जानते हो उसने क्या किया? क्या किया सर? वो भी मुझसे ही सुनोगे क्या? पिछले महीने मीनाक्षी का हाथ पकड़कर कह रहा था कि मैं इससे शादी करूंगा। पिछले हफ्ते लेडीज टॉयलेट में क्लर्क मंजुला के साथ छी। इसकी बेशर्मी को देखकर सारे छात्र इसे डिसमिस करवाने के लिए स्ट्राइक करने की धमकी दे रहे थे, फिर भी तुमने कहा ये अनजाने में हो गया, इसी बात का मान रखते हुए मैंने इसे दोबारा कॉलेज में रख लिया। जानते हो उसके बाद इसने क्या किया? क्या किया बताइए ना सर। इसकी बेशर्मी को मैं क्यों बताऊं, तुम इसी से पूछो जो सामने खड़ा है। क्या किया? सुन अरे भाई, जिस मैडम को तूने किस किया ना, वो प्रिंसिपल उस मैडम को फूलों की तरह रखता था, ऐसे मैडम को इसने किस किया, इसके हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। सुन ना भाई, जो भी हो तुझे मानना पड़ेगा। ये लोग मुझे कॉलेज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग खराब है इनका। तुम लोग हमेशा देखते हो बदतमीजी करता हूं मैं क्या? देख मीनानाथ, ये कॉलेज नहीं तो कोई और कॉलेज सही। हाँ। मैडम नहीं मिलेगी तो उसकी बेटी मिलेगी। ऐसे खेलों के लिए एक कला होनी चाहिए। यस आर्ट। आर्ट वो आर्ट है क्या सूर्या, मुझे समझा दो, मैं उसे सीख लूंगा। हाँ। देखो ये समझाने से समझने वाली नहीं है, ये हर किसी के अंदर होती है, इस कला को बस बाहर निकालना पड़ता है। अरे मीनानाथ ये तेरी समझ में नहीं आएगा। अरे भूल जा, भूल जा इसे। छोड़ दू? जरूरत पड़ा तो मैं कॉलेज छोड़ दूंगा, लेकिन लड़की पटाने की आदत मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। सूर्या मुझे प्यार करना है, मुझे प्यार चाहिए, बताओ मैं किसी का प्यार कैसे पाऊं, वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन होगा। ये बहुत लंबी कहानी है। हाँ तो लंबी कहानी को छोटा करके बोलो। उस दिन गुरुवार का दिन था। मैं चलता हूँ यार। ए, रुकना। उस दिन गुरुवार का दिन था। मैं अकेले ही रेस्टोरेंट में बैठा था। नालायक कहीं का, जब भी राइट टाइम पे बुलाओ हमेशा रॉन्ग टाइम पे आता है। Rappa rappa rappa.
अरे ये कौन आई, बहुत ही जानदार है। One soup, please. Yes, ma'am. विजय का फोन, इसे बुलाऊं क्या? ना बाबा, वो आएगा तो मेरा काम डिस्टर्ब करेगा। हेलो हेलो सूर्या, मेरा काम खत्म हो गया, मैं फ्री हूं, आऊं क्या? इस वक्त मैं फुल बिजी। हेलो हेलो हेलो, बंठन के आई, किससे मिलने आई होगी? बॉयफ्रेंड से मिलने तो नहीं आई है कहीं? छी, ऐसा नहीं हो सकता। बॉयफ्रेंड के लिए आई होती तो इतनी देर में फोन करके उसका दिमाग खा गई होती। सो इसका मतलब स्टेटस सिंगल है। इससे जाके बात करूं क्या? ना ना, कहीं ये भड़क गई तो। ए, ब्यूटीफुल लड़की है ये, कुछ भी सोचे मुझे क्या, ब्यूटीफुल समय है। गो 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 सूर्या, जा बात कर, ट्राई मार। हाँ। हेलो मिस, लड़की तो शर्मा रही है, विजय को बुलाना ही ठीक होता। खूबसूरत लड़की जब आंख के सामने होती है तो जबान खुलती ही नहीं है। हेलो मिस्टर सूर्या, फुल नेम विजय सूर्या, पैदाइश पूना की और पले बड़े बैंगलोर में। फादर्स नेम श्रीनिवास फार्मर एंड मदर्स नेम रजनी, शी इज हाउसवाइफ। तुम HMS कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे हो, माँ बाप की ठीक से देखभाल करना ही तुम्हारा एम्बिशन है। गुस्से वाले होते हुए भी तुम एक अच्छे इंसान हो, हमेशा सोचते हो कि बिना तकलीफ के हर कोई हंसी खुशी से ही जिए। फ्रेंड्स को कोई प्रॉब्लम आया तो सबसे पहले तुम वहाँ रहते हो। तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड भी है और उसका नाम विजय है। तुम उसका ही वेट कर रहे थे, वो यहाँ नहीं आया इसलिए तुम यहाँ बैठे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम्हें पुनीत राजकुमार बहुत पसंद है। उनकी कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो तुम नहीं छोड़ते, और कल बड़े घर वाला रिच देख कर तुम्हें बहुत अच्छा लगा। कौन थी वो लड़की? कौन? मेरे बारे में उसे सब कैसे पता कैसे? चला? इससे पहले तो मैंने कभी उसे देखा तक नहीं था। फर्स्ट टाइम देखते ही मुझे पसंद आ गई। मैं ही हिम्मत करके उससे बात करने के लिए गया, उसने मेरी कुंडली खोल के रख दी। हेलो हेलो, तुमने पहले कहा कि तुमने उसे पहले कभी देखा नहीं, ये गलत है। फिर पहली बार हिम्मत करके तू उससे बात करने के लिए गया, ये सही है ना? इसीलिए कहते हैं कि मेरा तुम्हारे साथ होना बहुत जरूरी है। हेलो, जरा वो सब तो ठीक है, सारी डिटेल्स कैसे पता चली उसे मेरे बारे में? मेरे बचपन तक की बात बताई, और तो और मैंने कल अपने बॉस की फिल्म देखी है ये तक बताया। कैसे? हाँ, अरे सूर्या, मुझे लगता है तुझे कोई ट्रैप कर रहा है, सही है ना? क्या यार, ना मेरा बाप विजय माल्या, ना मैं उसका लड़का सिद्धार्थ माल्या, ना ही मेरे पास कोई 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसे हड़पने के लिए ट्रैप कर रहे हैं। बकवास करता है। ये बात सही है। ओए, ये तो कोई अननोन नंबर है, कहीं उसी लड़की का तो नहीं? हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है। उठा उठा उठा, बात कर। हेलो हेलो, ए रॉन्ग नंबर है। अरे सीताराम हो क्या? सीताराम नहीं, राधे श्याम, फोन रख। ए, सुबह तुझे फोन आया और अभी अननोन नंबर से फोन आया तो तुझे लगा कि उसी का फोन। क्या यार तू भी।
हेलो 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 क्यों अपने बेस्ट फ्रेंड विजय के साथ हो ना? हे, वो लड़की यहीं आसपास ही कहीं है। देख कहाँ है, कहाँ है वो? ए, इतना घबराओ मत, मैं इस वक्त मेरे घर में हूँ। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं विजय के साथ हूँ? सुबह सुबह तुम्हें शौक देने के लिए तुम कहाँ हो इतना तो गेस कर ही सकती हूँ, है ना? वो सब बातें तो ठीक है, पर तुम हो कौन, मेरे बारे में कैसे जानती हो? फोन में ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। सुबह से शाम तक की सारी बातें मैं तुम्हें बता सकती हूँ। ओके बाय। क्या कहा उसने? चीयर्स। ये ले भैया, चुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं, रख ले। नहीं है भैया। नहीं रख ले। दो रुपया दो ना भाई। देख, मैंने तुझे 50 रुपया देने का डिसाइड किया है, रख ले। नहीं भैया, नहीं दो रुपया ही दो। चल ठीक है, ये ले। अब ओके ना, ये ले। रुक जा, एक सेल्फी दे दे। स्माइल। हाँ, सो नाइस। चलता हूँ, बाय। सो उस दिन से तुम्हारे पीछे घूमकर तुम्हारे बारे में सब पता लगा लिया है। इतनी छोटी उम्र में भी लड़कियों को प्यार हो जाता है क्या? उसे ही स्पेशल कहते हैं। लड़के लड़कियों की खूबसूरती पर फिदा होते हैं, लेकिन लड़कियां लड़कों का दिल देखकर उन्हें चाहने लगती हैं। सो, तुम चाहती हो मुझे? जितना तुम सोचती हो मैं उतना अच्छा नहीं हुआ तो? जो अपने घर वालों को अपनी जान से ज्यादा चाहे वो लड़का कभी गलत हो ही नहीं सकता। तुम अपनी फैमिली को कितना चाहते हो ये एफबी में तुम्हारा फैमिली फोटो देखकर ही पता चलता है। तुम्हारी हंसी इस बात का सबूत है। मुझसे अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। अभी तुमने कहा था लड़के लड़कियों की खूबसूरती देख के फिदा होते हैं। सूर्या। ओ, आ चंदू। एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत जोरों से चल रही है ना? क्यों? अरे ऐसा कुछ नहीं है चंदू, एटलीस्ट एग्जाम करीब हूं तब तो पढ़ाई करनी चाहिए ना। हाल ही में मुझे तो नोटबुक और टेक्स्ट बुक उठाने को भी दिल नहीं करा था सूर्या। सॉरी यार, लेट हो गया। बताओ तुम कब जल्दी आए हो, रहने तो छोड़ो। मर गए। हेलो, मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सुनाओ। क्या? मेरी महबूबा को प्रॉब्लम? घर वाले लड़का ढूंढ रहे हैं, क्या करूं? अच्छा, वेरी गुड। उसके लिए तुम्हें एक आइडिया सजेस्ट करूं क्या? हे, मेरा घर तो तुम जानती ही हो। सीधा मेरे घर जाके मम्मी पापा से कह दो कि मैं सूर्या से शादी करना चाहती हूँ। लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी। मैं तुम्हारे घर जाकर सबको ये बात बोलूं क्या? हे, सूर्या, सूर्या, सूर्या। मैं तुमसे अपने दिल की बात कह रही हूँ और तुम मजाक उड़ा रहे हो। पहले कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने दो, उसके बाद उसके बारे में सोचेंगे।
तुम्हारे डैड को 100 नहीं 1000 लोगों को देखने दो, तब भी तुम्हारे पापा मेरे ही पैर धुलवाएंगे, समझी? मुझसे करेक्ट टाइम पे आ जाऊंगा बोलकर अभी तक आया नहीं। मैं यहाँ अकेला खड़ा होके क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? दिमाग खराब होने से बचने के लिए एक काम करता हूँ, उसको ही एक कॉल करता हूँ। इसका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है, अब मैं क्या करूँ? आइडिया, किसी भी तरह मुझे टाइम पास करना है। हेलो। हेलो जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मदद की जरूरत है, करना पड़ेगा। वो क्या है ना, हमारे एरिया के वाटर टैप में पानी नहीं आ रहा है, अगर आप रिपेयर वाले को भेज देंगे तो बड़ा पुण्य मिलेगा। क्या सर, टैप रिपेयर करवाना है? हाँ मेरे भाई, एक हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है, कई दिन से नहाया नहीं हूँ, इसलिए बदन में खुजली हो रही है, कोई रिपेयर करने वाला हो तो भेज दो ना। सर आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बताओ तुम लोग यहाँ कितने लोग काम करते हैं? यही कोई 500 लोग काम करते हैं सर। अच्छा 500 लोग हैं। एक काम करोगे, मेरे एरिया में रोड का काम अधूरा है, वहाँ के लिए मजदूर चाहिए, तुम जितने लोगों को भेज सकते हो भेज दो, उनके काम करने से जो पैसा मिलेगा उससे मैं तुम्हारा मोबाइल बिल भर दूंगा। ए तुम इस बात की चिंता मत करना, तुम तो मेरे अपने हो ना, बस उनको मेरा नाम मत बताना, तुम बस मजदूरों को भेज दो, भेज दो। सर टैप रिपेयर करवाने या फिर रोड बनवाने के लिए हम इतना पढ़ लिख कर नहीं आए हैं। अरे भाई पढ़े लिखे लोग रोड का काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई नियम है क्या? बेचारे लड़कों के पास जेब खर्च नहीं रहता और तुम हो कि है, समझ रहे हो ना? सर कस्टमर केयर में फोन करके ये सब मत बोलिए, आपका प्रॉब्लम क्या है वो बताइए। प्रॉब्लम? एक हफ्ता पहले की बात है, मैं जब अपने गाँव में गया था, मेरे पिताजी ने 2 भैंसे ली है, वो दोनों रोजाना 20 लीटर दूध देती हैं, और हमारे पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, उनसे दूध दूना नहीं होता। अरे यार आप जानते हैं ना, बूढ़े इंसान जरा सा काम करे तो कितना थक जाते हैं। हाँ तो इस काम के लिए मेरी माँ एक लड़की ढूंढ रही है, माँ भी अभी बूढ़ी हो गई है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि गाँव की लड़की को छोड़कर शहर की लड़की से शादी करके गाँव में जाकर सेटल हो जाऊँ मैं। यार आपको पता है शहर की लड़कियाँ कितनी स्टाइलिश होती है, कितनी सारी लड़कियों को मैं आजमा चुका हूँ लेकिन कोई जमी नहीं, इसलिए आप कृपा करके 50,000 रुपयों का इंतजाम कर दो, मैं अपने शादी के बाद सूद ब्याज के संग लौटा दूंगा। यार सर मुझे अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं ये जॉब ज्वाइन किए हुए, आप मुझे ऐसी बात मत कीजिए प्लीज। क्या मुसीबत है, तुमने अभी कहा कि कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सर मैं आपके पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में नहीं, आपके फोन में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। फोन का प्रॉब्लम? अच्छा ठीक है मैं फोन का प्रॉब्लम बताता हूँ। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, रात को ही ऐसे बात कर रहा था तभी मेरा फोन फिसल के नीचे गिर गया, मैं उसे रिपेयर करके वापस ले आया, फिर भी डिस्प्ले में टेढ़े मेढ़ी लाइन आ रही है, आप उसे ठीक कर दो आपको बड़ा पुण्य मिलेगा ही। सर आपका दिमाग खराब है, आप एकदम पागल हो गए हैं, आप अपना फोन दोबारा रिपेयर वाले को दिखाइए। अरे तुम कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, अभी आपने पूछा फोन में कोई प्रॉब्लम है इसलिए मैंने अपना प्रॉब्लम आपको बताया, तुम्हें काम देने वाले का नाम और पता बताओ मुझे। सर सर माफ कर दीजिए, आराम से बात करते हैं ना, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। आगे ना रास्ते पर बातों की कीमत को समझा करो। सॉरी सर मुझे आपका प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, आप मेहरबानी करके हमारे सर्विस सेंटर वालों से मिलिए। सर्विस क्या, मैं 1 नहीं 2 बार वाटर से सर्विस कर चुका हूँ, सोप और शैम्पू से अच्छी तरह घिस घिस के धोया हूँ, फोन चमचम चमचम चमक रहा है मेरे यार। क्या साबुन और पानी से सर्विस किया? गलती हो गई भाई, अरे सर्विस किया फोन का नहीं मेरे बाइक का। अरे सर मैं सिम सर्विस के बारे में बात कर रहा हूँ। सिम को कोई पानी से सर्विस करता है, ये क्या कह रहे हो पुण्यात्मा? अरे सर आपके सिम में कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है तो बताइए। ओहो सिम में क्या, सिम में चड्डी और पैंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन केस कोई प्रॉब्लम आया तो फोन करके बता दूंगा। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी इतनी देर तक फोन पर बात करते रहे, पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया है। वो मेरा फ्रेंड आने वाला था, मैं उसका वेट कर रहा था और उसे आने में लेट हो रहा है, तो सोचा कस्टमर केयर में फोन करके किसी स्वीट वॉइस वाली लड़की से बात करूंगा। मेरी फूटी किस्मत थी कि तुमने फोन उठा लिया। क्या सन्यासी से सन्यासी टकराएगा तो क्या होगा, ज्ञान बढ़ेगा यही समझो। क्या कस्टमर केयर का आप लोग इस तरह यूज करते हैं? हे भगवान। सर आपके दिमाग में और कुछ बचा है क्या? हाँ बचा है, वेट 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 अब सुनो, अगले हफ्ते मैं धर्म स्कूल जा रहा हूँ, वहाँ पता चलेगा मैं कितने साल जीऊंगा।
हेलो 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 हो हेलो। ये फोन पे किससे बात कर रहा है? तुम्हारे आने में लेट हो रहा था भाई, इसीलिए टाइम पास करने के लिए कस्टमर केयर को फोन किया। नालायक का, कस्टमर केयर वालों को तो छोड़ दे, चल बैठ। पता नहीं तू कब सुधरेगा। इस वक्त तक तो उसे आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया। ओह, देयर ही कम्स। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। क्या हुआ प्रिया, क्या बात है? दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा, हाँ बोलो। इस वक्त नहीं, मैं कॉल करूंगी, उस जगह पर आ जाना। ठीक है, ओके ओके, बाय बाय। ए, जल्दी गाड़ी निकालो। क्या रुद्रा गौड़ा जी, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, सब ठीक है ना? तुम एमएलए बनने के बाद जनता की सेवा करने के लिए गांव गांव घूमते हो, ऐसे में मुझसे मिलने के लिए वक्त कहाँ है? ऐसा कुछ नहीं गौड़ा जी, अंदर आइए आइए। बैठिए। पापा। इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त हैं। नमस्ते अंकल। पापा मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है, मैं चलती हूँ। शांता भाई, चाय लेके आओ। बात यह है प्यारे, अगले हफ्ते मेरा भतीजा भाई के साथ अमेरिका जा रहा है। एक हफ्ते में उसकी शादी करवाने का डिसाइड कर चुका हूँ। बहुत सारी लड़कियां देखी लेकिन सही लड़की मिली नहीं। थोड़ी देर पहले तुम्हारी लड़की को देखा तो उससे घर ले जाने का फैसला किया, वो भी तुम्हारी मर्जी से। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बरसों पुरानी दोस्ती है जो रिश्तेदारी में बदल रही है, तो मैं ना कैसे कहूं। हे, तुम्हारी यहां काफी नहीं, जरा बच्ची से भी तो पूछ लो। मेरी बच्ची तो मेरी जान है, और उसकी जान में वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उसे जो कहूंगा वो उसे कभी नहीं टालेगी। तो फिर अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी की तारीख तय कर लेते हैं। ठीक है गौड़ा जी, जैसी आपकी मर्जी। हेलो। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे ऐसा हो? है मेरी फ्रेंड की एक बेटी है, उसके साथ तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है, अगले हफ्ते एंगेजमेंट है, जल्दी आ जा बेटा। ठीक है अंकल, दो दिनों में काम खत्म होते ही मैं फिर आ जाऊंगा। रुक जाओ बेटा, कहाँ जा रही हो? कॉलेज जा रही हो? जी पापा। देखो बेटी, अब पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई। ये क्या पापा? मैंने तुम्हारी शादी कराने का फैसला कर लिया है, और उसके लिए लड़का भी ढूंढ लिया है। अच्छा लड़का है, अच्छा काम है, मेरे दोस्त का ही बेटा है, इंजीनियर है वो। और तो और मैंने मेरे दोस्त को जुबान दी है। हाँ बेटी, मेरी मर्जी के खिलाफ तुम नहीं जाओगी, मेरी बात नहीं टालोगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। तुम्हारी शादी के बाद मेरी चिंता खत्म हो जाएगी, मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में हुई ये सोच के मुझे खुशी होगी। मेरा सपना मत तोड़ना बेटी। ठीक है बेटी, मुझे मीटिंग के लिए जाना है, चलता हूँ। हेलो, बोलो। हेलो, तुम कहाँ हो? मैं यही पास में ही हूँ। तुम बस इधर उधर दोस्तों के साथ घूमते रहो। पापा ने मेरी शादी तय कर दी अपने दोस्त के बेटे के साथ। क्या कह रही हो? जो हकीकत है वही बता रही हूँ मैं। मैंने पापा से कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है,
वो मेरी बातों को ध्यान न देकर अपने दोस्त से किया हुआ वादा वो निभाने चले हैं। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ ये बात मैं पापा को नहीं बता पाई। कल से मैं कॉलेज भी नहीं आ पाऊंगी। तुम पापा को कैसे बताओगे मुझे नहीं पता। मेरी एंगेजमेंट होने से पहले तुम आके मुझे ले जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। एक दिन भी लेट हुआ तो तुम्हें मेरी लाश मिलेगी चंद्रू, सच में, I mean it। हेलो पूजा, हेलो पूजा। हेलो सूर्या, तुमने कुछ बात करने के लिए बुलाया और खुद ही चुप हो, क्या बात है बोलो। प्रिया क्या बात है बताओ, तुम चुप खड़ी रहोगी तो मैं कैसे समझूंगा। बहुत दिनों से ये बात मेरे दिल में दबी हुई थी, वही कहने के लिए बुलाया है तुम्हें। देखो ना आज मौका मिला है, मेरे दिल की हालत ने मुझे कहने के लिए मजबूर किया है। आई लव यू सूर्या। व्हाट? ये सच है सूर्या, आई रियली लव यू, मुझे तुम बहुत पसंद हो। प्रिया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जानती हो ना मैं किसी और से प्यार करता हूँ। पता है, इसीलिए कह रही हूँ आज के बाद उसे भूलकर मुझसे प्यार करो तुम। प्रिया तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रही हो। पता है सूर्या, आजकल बस मैं तुम्हारे ही ख्यालों में खोई रहती हूँ। हर दिन तुम्हारे संग रहने के लिए मेरा दिल तड़प रहा है। देखो प्रिया, प्यार तुम्हारे होठों पर लगाकर फेंक देने वाला लिपस्टिक नहीं है। एक पसंद नहीं आया तो दूसरा, दूसरा पसंद नहीं आया तो तीसरे से प्यार कर लिया। प्यार हर किसी के दिल को सिर्फ एक ही बार होता है प्रिया, और वो प्यार मुझे नित्या से हो गया है, इसीलिए उस दिन से वही मेरी लाइफ पार्टनर है और ये बात बिल्कुल फिक्स है। तुम फालतू के सपने देख रही हो और चाहती हो कि मैं उसे भूलकर तुमसे प्यार करूं, ये तो नामुमकिन सी बात है। क्यों नामुमकिन है सूर्या, क्या कमी है मुझमें? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मेरे पास पैसा नहीं है? शानो शौकत किस चीज की कमी है? तुम्हें क्या चाहिए बोलो, सिर्फ आधे घंटे में तुम्हारे कदमों में डाल दूंगी। देखो प्रिया, प्यार खूबसूरती या दौलत देख के नहीं होता, प्यार पैदा होने के लिए एक अच्छा दिल होना चाहिए। उस दिल में जन्मों तक साथ निभाने का भरोसा होना चाहिए, जैसा कि मेरे और नित्या में है, वही बहुत है। मैं ये सब लॉजिक नहीं जानती सूर्या, मुझे तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम नित्या को नहीं छोड़ सकते तो मुझे अपनी रखेल बना लो। What? जैसे श्री कृष्ण के साथ राधा रुक्मणी, मैं वैसे ही तुम्हारे साथ रहूंगी। पागलों जैसी बातें मत करो प्रिया, मेरी जिंदगी में वही रहेगी, ये मैं फिक्स कर चुका हूँ। मैं श्री राम जी के जैसा हूँ, कृष्ण के जैसा नहीं, और मैं वैसा बनना भी नहीं चाहता। ए मॉडर्न श्री रामा। अरे यार क्या कर रहा है यार, चलना तेज चलना, अरे भगाना, अरे एक्सेलेटर दे, क्या कर रहा है तू? अरे तो पागल कहीं का, चलना, कहाँ फंस गया मैं, चल भगा। अरे अरे भगाना यार क्या कर रहा है, देख बस जा रही है, देख बाइक भी चली गई। हाँ अरे मेरा नसीब जो मैं तेरे साथ आ गया, क्या करूँ मैं इसका। अबे देख देख, अरे बच्चा भी साइकिल लेके आगे निकल गया। देख 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 देख, रुक रुक यहीं रुक, यहीं रुक, 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 उतरने दे मुझे। तू कैसा दोस्त है, मैं जॉली मूड में गाड़ी चला रहा हूँ, तू बीच में किट 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 कर रहा है। तेरी जॉली मूड को आग लगे, सूर्या का घर आ गया, चल उतर। अयो सूर्या का घर भी आ गया यार, मैं इतनी स्पीड से गाड़ी चलाया कि कब घर आ गया मुझे पता भी नहीं चला। क्या स्पीड से चलाई, वाह। या ऑफ कोर्स, एक्चुअली माय फर्स्ट टाइम इतनी स्पीड से गाड़ी चलाया हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे धक्का मार कर ले जा रहा है। अरे वो हमारी हीरोइन रागी है ना। रागी? रागी, रागी मींस रागिनी। ओ वो रागिनी मैडम। हाँ, मैं उन्हीं को प्यार से रागी रागी कहता रहता हूँ। तो इसने साया भी नहीं देखा होगा।
रागी को जब भी मैं लॉन्ग ड्राइव पे लेके गया तब भी मैं इतनी स्पीड से गाड़ी नहीं चलाया। तो कौड़ी कितनी खटारी लेकर 3 किलोमीटर आने के लिए तूने 3 घंटे लगाए और ऊपर से बोल रहा है कि रागिनी मैडम को तो लॉन्ग ड्राइव पे ले गया था। मार मार के लड़ कर समझा? क्यों लड़ रहे हो? चल अंदर बताता हूँ तुझे। मैं भी आता हूँ। क्या बात है सूर्या, घर पे क्यों बुलाया हमें? ज्यादा कुछ नहीं, हमें एमएलए के घर जाके पूजा को किडनैप करके लाना है। क्या किडनैप? हाँ, हम दोनों को करना है। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं आना है भाई। वैसे भी उस एमएलए को हमारे एरिया वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं वहाँ जाकर फंस गया ना, बचपन में जिस स्लेट पर अपना नाम लिखा करता था ना, उसी स्लेट पर कैदी नंबर लिखना पड़ेगा। ए, वैसा कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा मैं संभाल लूंगा। अरे नहीं भाई, किसी भी सूरत में मैं उस एमएलए की चौखट पर कदम नहीं रखूंगा। सुन, तू पहले पूजा को उसके घर से बाहर निकाल के ले आ, फिर तू जहाँ बोलेगा मैं तेरे साथ आने को तैयार हूँ। मैं तेरे साथ रहूंगा, खाने के साथ जैसे अचार। फ्रेंड लोगों का साथ कैसे देना चाहिए, ऐसे देना चाहिए। अब बिल्डअप करना बहुत हो गया, समझा? तू भी एक डमी पीस है। सूर्या, तू किसी बात की फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ चलूंगा। हाँ यार, वहाँ जो भी होगा देख लिया जाएगा। भगवान, मैं दोस्तों को बहुत बिल्डअप दे चुका हूँ, यहाँ आकर देखा तो लोग पहरा दे रहे हैं, इनके हाथों में फंसा तो सीधा मौत ही है। हे भगवान, अब मेरी जान तेरे हाथ में है। जाना? मैं जाऊँ? हाँ तू जा। इतने बड़े बंगले में मैं उस लड़की को कहाँ ढूंढूं? तू ही मुझे हिम्मत देना बाप, पकड़ा गया तो एमएलए मुझे जिंदा खा जाएगा। जा बेटा, चलता रहे। ये कौन है? अरे बाप, हिमालय के जैसा, मौत का देवता, और कोई नहीं, मैं अकेला। कौन है तू? मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ और तुम्हारे घर में क्यों हूँ। क्या एमएलए के घर में तू गलती से घुस आया है? देखने में तो पक्का चोर लगते हो, चोरी करने आया होगा, ऊपर से झूठ बोलता है। ए, इधर आओ। लगता है ये यहाँ चोरी करने आया है, मारो इसे। तुम्हारा यहाँ दिखाई दिया तो तेरे हाथ पैर काट दूंगा। मौत के जितने देवता हैं सब एमएलए के साइड में है। मैं चला। ए, 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 कहाँ जा रहा है? रुकना, अब तुम जाओ। घर में बड़ा बड़ा बिल्डअप दिया, अब देखो तो अपनी जान बचा के भाग रहा है। हाँ, थाली बदलिए। Thank you.
पूजा। हाँ सूर्या। बाहर आ जल्दी। चल चल जल्दी बैठ। जल्दी करो। कौन है ये? मालिक की बेटी को कहाँ लेके जा रहा है? छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, अरे छोटी मालकिन आप कहाँ जा रही हैं? शिट, मालिक, मालिक, छोटी मालकिन किसी के साथ भाग रही है, क्या करें? आधे घंटे के अंदर मेरी बेटी मेरे सामने चाहिए। ठीक है मालिक, मैं ढूंढता हूँ। शिट। ए, पहले गाड़ी में बैठो, गाड़ी में मेरे रहते कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ए, गाड़ी रोक। क्या हुआ? मेन रोड से जाने में खतरा है, उन्होंने पुलिस कंप्लेन की होगी। इसका बाप एमएलए जो है। हम लोग एक काम क्यों ना करें, तू गाड़ी इस रोड से ले ले, हम इधर से निकलते हैं। इधर से ले, वो कहीं मंदिर जैसा लग रहा है। देखो देखो सामने कुछ है। वो देख वहां पे। हाँ यार, इतने घने जंगल में इतना अच्छा मंदिर बनवाया है, कोई पुण्य आत्मा ही होगी। ए, किसी ने बनवाया होगा, हमें क्या? शादी करवाने के लिए एक जगह चाहिए थी, मिल गई, शादी करवा देते हैं। चलो सोच लो, वैसे भी बहुत टाइम हो गया। हाँ, हर बार इसे टाइम की पड़ी रहती है, क्योंकि इसे नंबर एक नंबर दो जाना होता है ना, इसीलिए टाइम की पड़ी रहती है। तू मीरा, देखो यारो, भगवान के रचे इस नाटक में हम तो कैरेक्टर्स हैं, हर काम का जो टाइम है ना वही फिक्स करता है। हाँ, सच्चा प्यार करने वालों को ना भगवान कभी अलग नहीं होने देता। चलो चले। क्यों पूजा, अब तो खुश हो ना? चलो। हे भगवान रक्षक। अरे रे, दरवाजा तो बंद है, लगता है शादी बाहर ही करवानी पड़ेगी। छोड़, कोई बात नहीं यार, हम लोग भगवान के सामने ही तो शादी करवा रहे हैं ना। लोकी, मंगलसूत्र दे। चाहिए क्या? नहीं भाई, तू इसके घर जाकर सबसे पूछ कर दक्षिणा देकर फिर मंगलसूत्र लेकर आना। ए, मंगलसूत्र दे बेवकूफ। ये ले, दे उसे। क्या करते रहते हो यार तुम लोग भी। चंदू ये ले। क्या हुआ चंदू, इतना क्यों सोच रहा है? मंगलसूत्र बांधने में डर लग रहा है? शादी नहीं करनी है तो बोल दे, हम लोग निकलते हैं। चलो 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 चलो। हे, ऐसा कुछ नहीं है यार, हमारे लिए तुम लोग इतना रिस्क उठा रहे हो इसलिए। हे, हम फ्रेंड्स लोगों के लिए ये सब कुछ कॉमन है यार। हमारे बॉस पुनीत राजकुमार जी की फिल्में देखते हो ना, एक दोस्त के लिए हमारे बॉस किसी भी मुसीबत से भिड़ जाने के लिए तैयार रहते हैं। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ, उनकी तरह तूने अगर हिम्मत से सामना किया तो बात बनेगी। बिल्कुल सही। सुनो यार, जब तक मेरी सांसों में सांस है तब तक इसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। अरे क्या एक दूसरे का चेहरा ही देखते रहोगे? मंगलसूत्र बांध दो, टाइम हो रहा है। बांधना यार। अरे बांध।
मंगलम भगवान विष्णु स्वाहा, ओम मंगलम भगवान विष्णु स्वाहा, तुम लोग सदा खुश रहो, यही हमारा आशीर्वाद है, चलो बजाओ ताली। देखिए यार चंदू, तुझे तेरी मनपसंद लड़की मिल गई और उसके साथ तेरी शादी भी हो गई, अब क्या ख्याल है बोल बता? आगे क्या, अब ये दो बच्चों की माँ बनेगी और क्या। क्या तुझे इतनी जल्दी बच्चे चाहिए? छुप छुप कर किसी अनजान जगह पे बैठकर अपने मन की प्यास बुझाने वाले चुप रहेंगे क्या? वो तुझे मिल गई है ना, तो जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी करने वाले सारी रात मंत्र उच्चारण में ही गुजार देते हैं, समझा? उसने कुछ किया ना तो तू हैंडल कर लेना, लड़कों को ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्त, मौका मिला है ये सोच कर मौके का ज्यादा फायदा मत उठा, तू अभी नया है, थोड़ा आराम से आगे बढ़ना। और आगे बढ़ते समय फूक फूक के कदम रखना, समझा? तू सामने वाला कितना ही अच्छा बैट्समैन हो, बॉलर के बॉल का इंतजार करना पड़ता है। इंतजार करना बहुत जरूरी है, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। इसमें फिक्र करने वाली क्या बात है, सांबर में नमक इडली डालने के बाद ही उसके टेस्ट का पता चलता है ना। टेस्टी है इसलिए ज्यादा खाने की कोशिश मत करना, बाद में तुझे ही तकलीफ होगी। जो होता है होने दो, आज फर्स्ट नाइट की तकलीफ झेल लोगी तो आगे रिजल्ट अच्छा मिलेगा। मिल गया, सोच के लिमिट क्रॉस मत करना, वरना किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। जो भी करना आराम से करना। ए, तुम लोग चुप बैठो यार, आगे क्या होगा ये सोच सोच कर मुझे डर लग रहा है, और तुम दोनों यहाँ पे बकवास किए जा रहे हो। संभालने के लिए हम लोग है, आगे कोई भी तूफान आए हम लोग संभाल लेंगे, लेकिन तू अपनी हिम्मत कभी मत हारना। प्यार भरा तेरा दिल हमेशा खुशियों से भरा रहे। मैंने तो जो समझाना था समझा दिया। सुनो विजय, मोहन का फोन आया था, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं और वहाँ जोरों की बारिश हो रही है, इसलिए कह रहा था कि नाइट में नहीं सुबह आना। रात में नहीं जाएंगे यार, इस जंगल में हम लोग कहाँ रहेंगे, मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है। अभी अंधेरा नहीं हुआ है, हो सकता है यहीं कहीं रहने के लिए जगह मिल जाए, चलो देखते हैं। ठीक है। ए उधर देख। अरे भाई, यहाँ ठहरने के लिए कोई लॉज है क्या? यहाँ 70-80 किलोमीटर के अंदर कोई लॉज नहीं है। 70-80 किलोमीटर, अब क्या करें? गांव में ठहरना है, 3 किलोमीटर दूर एक बस्ती है, वहाँ जाकर देख लो, दिख जाएगा। वहाँ सिर्फ नौकर ही है और कोई नहीं, भटक कर जो लोग यहाँ पर आ जाते हैं वो लोग वहीं पर ही जाते हैं, वहाँ के रहने वाले उनके रहने की व्यवस्था वहीं कर देते हैं। इन लोग देखने में तो ये लोग लुटेरों का गैंग जैसे लग रहे हैं। मुझे भी तो ये चोरी लग रहे हैं। अरे सूर्या, ये बंगले को देख जरा, मुझे तो ये भूत बंगला ही लग रहा है। हाँ यार, इस घर को और यहाँ के माहौल को देखकर मुझे तो डर लग रहा है यार, चलो वापस चलते हैं। ए, रुको, उन लोगों ने कहा था ना ये नौकर लोग रहते हैं, चलो चल के पूछते हैं। ऐसा क्या? डरपोक। चल। अरे जरा देखो तो, कितने जोर जोर से खराटे ले रहा है ये पुण्य आत्मा, पता नहीं लेकिन कौन से पाप की है जो यहाँ पर है। सुन ए सूर्या, इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने क्वार्टर नहीं पिया, पूरा लीटर भर दारू पी के सोया है। ऐसा नहीं है, मुझे तो लगता है इतना बड़ा बैरल पिया है इसने, इसलिए ये अधमरा हो गया। ए चुप करो। हेलो भाई साहब, भाई साहब। कौन हो तुम लोग, आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तू जरा चुप कर।
भाई साहब हम बेंगलुरु के पास के गांव रामनगर से आए हैं, हम घूमने निकले थे, रास्ता भटक के इस तरफ आ गए, जीप की लाइट भी ठीक से काम नहीं कर रही है, इसलिए आज रात यहाँ रुक के सुबह चले जाएंगे। हाँ, हाँ, जी हाँ। यहाँ रुकने के लिए कोई जगह नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। प्लीज सर आज रात को यहीं रुकने दो, सुबह चले जाएंगे। नहीं होगा बाबा, जाओ यहाँ से, मालिक यहाँ नहीं है, नहीं रुक सकते। प्लीज सर सिर्फ आज रात के लिए। बात तुम लोगों की समझ में नहीं आती क्या? चलो जाओ यहाँ से। प्लीज सर भगवान के लिए ऐसा मत करो, हमारे साथ ये लड़कियाँ हैं। सब कितनी खूबसूरत है, दिल चाहता है उन्हें बाहों में भर लूं, कहीं इन पर भी कोई मुसीबत ना आ जाए, इनका दिल दुखाकर कोई फायदा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सर भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, तुम लोग इतनी रात को आए हो, तुम लोगों के साथ लड़कियां भी हैं, ना कहने का दिल नहीं कर रहा है। सिद्धा सिद्धा सर सिद्धा कौन है? देखिए ना क्या बोल रहे हैं। क्या है सर? ये ले चाबी, इन लोगों को रूम दिखा दे, रात भर यहीं रुकेंगे ये लोग। हाँ जा जल्दी। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू सर। चलो 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 चलो। वाह कितनी खुशबू आ रही है, पता नहीं कौन सा सेंट लगाया है। भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या है? अरे भाई अब क्या हो गया? भाई साहब यहाँ पे कहीं खाना मिलेगा? देखो वहाँ एक आदमी है, वो तुम्हें खाना दिलवा देगा, जाओ। ठीक है भाई साहब, थैंक्स। अरे कौन है इस वक्त? जानता हूँ बहुत रात हो गई है, पर खाने को मिल सकता है क्या? इस वक्त खाना कहाँ मिलेगा? खाना कहाँ मिलेगा? कुछ भी चलेगा, दाल राइस मिल जाए तो भी बहुत है। कितने लोग हो? 3 लड़कियां, 4 लड़के, टोटल 7 लोग। लड़कियां भी है? हाँ, क्यों भाई साहब? क्यों? ये जगह बहुत ही खराब है। खराब है? और तुम लड़कियों को लेके आए हो? क्या लेकर यहाँ आए हो? हाँ तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मेरा काम मान जाओ, चले जाओ यहाँ से। भाई साहब आधी रात बीत चुकी है, रात बीत जाने दो, हम लोग सुबह चले जाएंगे। प्लीज सर तुम्हारी मर्जी, मैं अपने घर जा रहा हूँ, चलो साथ में। ठीक है चलिए। पेट भर के खा लिया है यार। थैंक्स। थैंक्स किस लिए? वो समझ गए क्या? समझ गए का क्या मतलब? तुम सबने इतनी मेहनत करके मेरी शादी करवाई, इसलिए थैंक्स बोला बस। ऐसा है तो तुझे और थैंक्स बोलना होगा, क्योंकि हमने तुम्हारी फर्स्ट नाइट का इंतजाम किया है ना। क्या फर्स्ट नाइट? फर्स्ट नाइट सोचकर भी डर लगता है यार। ए, तुझे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये क्या कह रहा है? संभाल लूंगा मतलब फर्स्ट नाइट का जो भी अरेंजमेंट है वो सब संभाल लूंगा यार। ये फर्स्ट नाइट क्या होता है? अरे मैं हूं ना, मैं तुझे सब कुछ समझा दूंगा, देखो जैसा मैं कहूंगा वैसे ही तुम्हें करना है, फर्स्ट नाइट पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे, समझे? एक मिनट आता हूँ मैं। हेलो, ए बताना। अब सिंपल है यार, देख फर्स्ट नाइट को पूरा स्टेज फूलों से सजा होता है और दुल्हन भी सजी होती है, तुम व्हाइट शर्ट और व्हाइट धोती पहन के दुल्हन का इंतजार करोगे, अचानक से दरवाजा खुलेगा, पूजा अंदर आएगी हाथ में दूध का ग्लास लिए हुए, धीरे धीरे तुम्हारे तरफ बढ़ेगी शर्माते हुए और इटलाते हुए, और फिर पता है? करेक्ट, हाँ तू शर्माती हुई दूध का गिलास हाथ में लेकर उसके पास जाना, वो शर्माकर तेरे पास आकर तुझे दूध का ग्लास देगी और तेरे पैर छुएगी, फिर उसे कहना कि मेरे पैर मत छुओ और फिर अपने पास बैठा लेना, फिर प्यार से वो दूध का ग्लास लेकर वो दूध पी लेना, नहीं नहीं अकेला पूरा मत पी लेना, बाकी आधा तुम पियोगी। दूध पीने के बाद उसके आंखों में आंखें डालना और तब वो शर्माएगी और तुम भी शर्माना, फिर धीरे 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 तुम उसके करीब जाना और फिर तू उसके करीब जाकर बैठ जाना उसके पास, फिर रोमांटिक मूड में तुम उसका हाथ पकड़ना, वो फट से लाइट बंद कर देगी और फिर शुरू हो जाएगा, फिर रात बीत जाएगी और सुबह हो जाएगी, वो घर के सामने रंगोली बनाएगी, तुम सुबह उठ के न्यूज़पेपर लेके बाहर आ जाना और फर्स्ट नाइट खत्म। ए तू ऐसी बातें करके तुम इसका मूड खराब कर रहे हो। देख चंदू, तेरी शादी एक एमएलए की बेटी से हुई है, वो आदमी बहुत पहुंच वाला है, तेरी फर्स्ट नाइट गुजर गई, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता, सुहाग रात पूरी कर ले ठीक है, उसके बाद वो खुद ही तुझे बुलाकर
अपना दामाद स्वीकार कर लेगा, ठीक है, समझ गया, चल अंदर। सूर्या, कल रात को जब मैंने ये घर देखा तो मुझे लगा कि यहाँ एक रात काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन रात में जैसे ही नींद लगी सुबह का वही पता ही नहीं चला। अरे इसीलिए तो कहते हैं हरियाली के बीच में जो सुकून मिलता है वो पॉल्यूशन से भरे, सीमेंट से भरे शहर में कहाँ मिल सकता है। सही बोला भाई, सही बोला। सुन क्यों ना हम यहीं रुक जाएं। अच्छा मेरे साथ। मुझे भी सूर्या, शादी के बाद हम अपना हनीमून यहीं मनाने आएंगे। हाँ गुरु, हनीमून से याद आया, पूजा चंदू जागे नहीं? लगता है अभी तक सोए हैं, मैं जगाता हूँ। नहीं रुको, क्या पता वो पूरी रात सोए या नहीं, इसलिए जरा उन्हें सोने दो ना, बाद में जगा देना। हाँ, सोने दो, सोने दो। अरे हाँ, लोगी कहाँ है? ए, वो अपने कमरे में सो रहा है। अरे उसकी तो नींद पीछा ही नहीं छोड़ती है, दिन रात सपना देखता है कि किसी हीरोइन के साथ वो गाना गा रहा है और फिर दोपहर तक सोते रहता है। खैर छोड़ो, हम दोनों जाके पेस्ट और ब्रश लेके आते हैं, फ्रेश होके जल्दी से निकलना है। ठीक है, चल। मेरा फोन देना। ए आना। हाँ हाँ, आई पास। पता नहीं रात कैसी गुजरी, मेरी आंखों में तो वही नजारा घूम रहा है। जब बूढ़ी दादी के दांत कमजोर पड़ जाते हैं ना, तो पोता उनकी मदद करता है। विजय से कहती हूँ तुझे मंगलसूत्र पहना दे। क्यों? हाँ ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ? तू ये पकड़, तुम लोग अंदर जाओ, बैग रेडी करो। ए रुको रे, रास्ते में एड्रेस बताने वाले लोग। ओ सुनो, आज गाड़ी मैं चलाऊंगा, ठीक है? अरे नहीं नहीं मैं चलाऊंगा। अरे मुझे चलाने दो ना यार। अरे मैं चलाऊंगा। ए सुनो, चंदू और पूजा कहाँ है? लगता है वो लोग अभी तक नहीं जगे हैं। मुझे लगता है कि वो लोग फैमिली प्लानिंग करके ही आएंगे, लेकिन फैमिली डॉक्टर को बुलाना पॉसिबल नहीं है। सुनो जाके उन्हें बुला के ले आओ, जाओ। अरे वो लोग दरवाजा खोल ही नहीं रहे हैं। क्या क्या दरवाजा नहीं खोल रहे? क्या, चलो देखते हैं। चलो चंदू, पूजा, चंदू, चंदू, पूजा, पूजा, चंदू, 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 पूजा, चंदू। यहाँ तो कोई भी नहीं। कहाँ गए ये लोग? अरे कहाँ गए? क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? भाई साहब, चंदू और पूजा दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपने उन्हें कहीं देखा है क्या? नहीं, सुबह मैं जरूरी काम से बाहर गया था, मैं तो अभी आया हूँ। तुम लोगों ने सब जगह ढूंढा उसे? तुम लोगों ने अच्छी तरह से ढूंढ लिया है, मगर हाँ, वो कहीं नहीं मिल रहे। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? कमरे का दरवाजा लॉक था। हाँ, उसे तोड़ के हम लोग अंदर गए। हाँ, लेकिन चंदू और पूजा वहाँ पर नहीं थे। चलो ढूंढते हैं। हाँ चलो। हाँ, चलो। चंदू जी, पूजा जी, पूजा, चंदू,
तुम लोग उस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूं। चंदू, चंदू, पूजा, पूजा, चंदू, पूजा, पूजा, चंदू, चंदू, चंदू जी, पूजा, पूजा जी, पूजा। चंदू, पूजा, क्या हुआ, मिले क्या? नहीं सर, हमने सभी जगह ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिले। अच्छा, कहीं बोलू लौट तो नहीं गया ना? नहीं भाई साहब, वो दोनों शहर छोड़कर आए हुए प्रेमी हैं। हम उन दोनों की शादी करवाने के लिए ही यहाँ लाए थे। अच्छा, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकते। तो फिर एक काम करते हैं, पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। पुलिस कंप्लेंट? पुलिस कंप्लेंट सही नहीं होगी सर, अगर ये बात उन लोगों के घर में पता चली तो वो लोग घबरा जाएंगे सर। आज का दिन हम उन्हें ढूंढते हैं। ओ माँ का है। यार किसका फोन है? स्नेहा तुम कहाँ हो बेटा? बताया था नमा, सहेली के घर जा रही हूँ, वही हूँ। बेटा चाचा जी गांव से आए हैं। हाँ, वो कल वापस चले जाएंगे, तुम्हें देखना चाहते हैं, इसलिए बेटा तू जल्द से जल्द आ जा। हाँ ठीक है माँ, आती हूँ। ठीक है बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट माँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय बाय। अरे तुम तो कहती थी कि मैं भूत प्रेत से बिल्कुल भी नहीं डरती, अब क्यों चीखने चिल्लाने लगी? अच्छा जाओ, ऐसे अगर पीछे से आकर डराओगे तो कौन नहीं डरेगा। खैर छोड़ो, ये बताओ फोन किसका था? माँ का फोन आया था। ओ क्या बोल रही थी? घर बुला रही है। स्नेहा मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। हाँ तो? हाँ तो तुम मुझे किस दे दो ना। चल हट। अरे एक ही तो मांग रहा हूँ। ये सब मैं नहीं करने वाली, जाओ यहाँ से। प्लीज। अरे मैंने कहा ना। प्लीज एक किस। प्लीज प्लीज प्लीज। ए, लोकी, नित्या, नित्या, लोकी। क्या हुआ? विजय स्नेहा कहाँ है? अब मुझे क्या पता। लोकी कहाँ चले गए? अरे उठना। अरे क्या है यार, शिट, हर जगह ढूंढ लिया, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए होंगे? विजय, कहाँ हो तुम लोग, कहाँ हो तुम लोग? विजय, स्नेहा, उन्हें कहाँ ढूंढे सूर्या?
था। सोनिया, ये पैसा अच्छे अच्छे को पागल बना देता है यार। इसीलिए कहते हैं किस्मत खुलती है तो चप्पर फाड़ के मिलता है। सही कह रहे यार, सही कह रहे यार। मेरे को भी देना। दे दे लक्ष्मी माता से। इस तरह दो तीन डील और मिल जाए तो लाइफ सेटल हो जाए भाई। हाँ यार, इसके बाद हम ये गांव ही छोड़ देंगे। गांव ही नहीं, देश को ही छोड़ के चले। पागल हो गया क्या? क्या हो रहा तेरे को? चलो भागो, भागते का बाटली चोर। अरे जल्दी भाग रहे। नहीं साहब, नहीं। कहाँ है मेरे सारे फ्रेंड्स? कौन से फ्रेंड्स हैं? मुझे कुछ नहीं पता। तुम लोग हमें कल से फॉलो कर रहे हो, तब से हमारे एक एक करके फ्रेंड्स मिस हो रहे हैं। उनके मिसिंग होने से तुम्हारा संबंध जरूर है। बोलो, और कौन कौन है तुम्हारे साथ? मुझे कुछ नहीं पता सर, जैसा आप कह रहे हैं वैसा मेरा किसी चीज के साथ कोई संबंध नहीं है सर। सच्चाई को छुपाने की कोशिश मत कर, मुझे सब कुछ मालूम है। बता। मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे कुछ भी नहीं पता सच में। तू ऐसे नहीं बताएगा? हाँ नहीं 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 सर, बताता हूँ सर। उस दिन रास्ते में जब आपने हमसे एड्रेस पूछा, आपके साथ जो लड़कियां थी उन्हें जी भर के देखने की आशा लिए हम लोग आपके पीछे पीछे आए। इतना पैसा तुम्हारे पास कहां से आया? ये गांजा बेचकर मिला हुआ पैसा है सर। अब मुझ में हिम्मत नहीं, मैं नहाने जा रही हूं। आ रहा हूं। तू यहां क्यों आया? संध्या,
हाँ मैं, हैरानी हो रही है क्या तुम्हें? क्या लगा बिल्ली की आंखें बंद करके दूध पीने से दुनिया को पता नहीं चलेगा? बिल्ली, दूध, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। तुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, मुझे है। आखिरी बार इज्जत से पूछ रहा हूं, कहां है मेरे फ्रेंड्स? जब हम लोग आपका पीछा करते हुए यहां तक पहुंचे तो ये मैनेजर यहां वहां रात को घूम रहा था। मुझे उन पर शक हो गया सर, यहां जो भी कुछ हो रहा है उसका कारण ये ही हो सकता है। चल अब बता कि पूरा सच क्या है। बताता हूं। रात को तुम लोगों को चाबी देने के बाद मैं सो रहा था, तब कुछ आवाज आई। जब उठकर देखा तो तुम्हारा फ्रेंड लोकी इधर उधर भटक रहा था सर। मैंने सोचा नई जगह है तो नींद नहीं आ रही होगी इसलिए घूम रहा है। मैं ये सोचकर फिर सो गया। मुझे उसी पर शक है सर। क्या, हमारा लोकी? जी हाँ सर। अपने आप को बचाने के लिए उस पे झूठा इल्जाम मत लगाओ। नहीं सर, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कह रहा हूँ सर, विश्वास कीजिए सर। हमारा लोकी कैसा है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो इस तरह की गलत हरकत कर ही नहीं सकता। अरे मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं सर? सर घर में कौन है सर? नित्या और लोकी हैं। सर अभी चलकर देख लीजिए, सच्चाई अपने आप पता चल जाएगी सर। ठीक है। ए तू यही रुक। नित्या, लोकी कहाँ है? यही कहीं होगा। वो मैं तो नहा रही थी, मैंने नहीं देखा। ओ डैम, लोकी, 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 लोकी जी, लोकी, 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 सोर्या, 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 नित्या, क्या हुआ नित्या? बताओ क्या हुआ? लोकी, 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 लोकी यार, लोकी जी, लोकी, लोकी जी, लोकी, 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 सर शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं सर, कैसे शांत हो जाऊं सर? मेरे बाकी फ्रेंड्स पता नहीं कहां चले गए हैं और अब ये लोकी, इसका ये हाल। सर मैं जब से काम पर लगा हूं तब से ये पहली बार हुआ है सर। सर अभी इस तरह रोने से क्या फायदा होगा सर, मेरी बात मानिए सर।
यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है, हम वहाँ चल के कंप्लेन करते हैं सर, मेरी बात मानिए। नहीं सर, यहाँ क्या चल रहा है इसका पता मैं खुद से ही लगाऊंगा। जिद मत कीजिए सर, मेरा कहा मानिए सर, आपके फ्रेंड्स लोग कहाँ गायब हुए हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, वो लोग कहाँ गए हैं क्या हुआ वो हमें कंप्लेन करने के बाद ही पता चलेगा सर। ये सच कह रहे हैं सत्या, हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, चलो पुलिस में कंप्लेन करते हैं प्लीज। ये सोचने का वक्त नहीं है, भगवान के लिए चलिए सर, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा, आप जाकर पुलिस में कंप्लेन लिखाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा सर, मेरा कहा मानिए सर, जल्दी जाइए सर। चलो सूर्या चलो। रो मत, शांत हो जा। शिट। क्या हुआ सूर्या? पता नहीं क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हो रही है। तुम यही बैठो, मैं पानी लेके आता हूं। हाँ ओके। नित्या, 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 ओ, नित्या, कहाँ चली गई? नित्या, 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 ओ, नित्या। नित्या, नित्या, हम यहां किस लिए आए ए भगवान? मैंने अपना सब कुछ खो दिया। तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? वो नित्या, मेरी नित्या लापता है। नित्या? जी हाँ, मैं और नित्या जीप से जा रहे थे, रेडिएटर हीट होने की वजह से धुआं निकलने लगा, मैं पानी लेने गया, पानी लेके आया तो देखा नित्या नहीं थी। ये क्या कह रहे हो यार? सच में, हम जब से यहां पर आए हैं तब से एक एक करके मेरे सारे फ्रेंड्स गायब हो रहे हैं, और आज
मेरा लौकी, उसकी लाश जंगल में मिली और अब मेरी नित्या भी लापता हो गई है। मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हें उस वक्त कहा था ये जगह ठीक नहीं है। हाँ, मेरी बात मानो, तुम यहां से चले जाओ, कम से कम तुम्हारी जान तो बचेगी। चलो जाओ जाओ। पता चल गया। चला जा, तुझे जिंदा रहने की इच्छा नहीं है क्या? चल जा, जा ना। बता वरना तू जिंदा नहीं बचेगा। नहीं, नहीं, बता नहीं, वरना मैं मार दूंगा तुझे। बता, बता तो, बता तो। उस दिन जब तुम खाना लाने गए थे, नित्या, नित्या, आंखें खोलो नित्या, नित्या मैं हूँ, नित्या, सोया, सोया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ नित्या, सोया, शांत हो जाओ, तू यहाँ क्यों आया है? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। अरे बता, यहाँ क्यों आया है? ये कौन है? बता,
वरना जान ले लूंगा। बताता हूँ सर, बताता हूँ, सब बताता हूँ। उस दिन रात को मैं और मेरा दोस्त एक शादी से वापस लौट रहे थे, तभी हमें रास्ते में कुछ आवाजें सुनाई दी सर। करीब जाकर देखा तो एक आदमी लाश को जमीन पर लेटाकर गड्ढा खोद रहा था। ए, उधर लाशें। ए, कौन है तू? ए, कौन है तू? तुम लोग कौन हो मैं नहीं जानता, मैं कौन हूं किसी को पता ना चले। अगर मेरा कहा मानोगे तो हर महीने तुम्हारे घर पे ऐसे ही पैसों की गड्डी पहुंच जाएगी। इन दोनों की लाश को ठिकाने लगा दो, ये लो। उस दिन से उनके कहने के मुताबिक हम काम करते हुए आए सर। तुम्हारा खाना लाने तक तुम्हारे साथ लड़कियां भी हैं, ये बात मैंने फोन करके अपने बॉस से कही। मुझे किस दो ना? किसी को इसके बारे में पता ना चले और किसी को शक ना हो सर, इसलिए यहाँ से 25 किलोमीटर दूर घाटी में ले जाकर उन्हें जला दिया। उसमें हमारी कोई गलती नहीं है सर, हम लोगों ने सिर्फ चंद रुपयों के लिए सेठ ने जो कहा वही किया सर, उनके कहने पर ही ये सब किया। इन सब का जिम्मेदार हमारा मालिक है, हमारा मालिक है सर। अपने स्वार्थ के लिए तुम लोगों ने मेरे दोस्तों की बलि चढ़ा दी पापियों, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आ,
क्यों किया ऐसा? बोल, जल्दी बता। बताता हूँ सर। सर, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उन्होंने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला। मेरी माँ को हार्ट अटैक आया और वो चल बसी। माँ की कमी कभी महसूस ना हो इसलिए पापा ने बहुत प्यार से मेरी परवरिश की। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता था। एक दिन उन्होंने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि मैं अपने पापा को नहीं खोना चाहता था। मैंने वो प्रस्ताव इसलिए मना कर दिया कहीं आने वाली लड़की मुझे अपने पापा से दूर ना कर दे। फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। शहर में रहने वाले उनके दोस्त के बेटी के साथ मेरी उन्होंने शादी करवा दी। मैं उस बात से बहुत नाखुश था। मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं था। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी पिताजी ने मेरी शादी करवा दी। और उस दिन, मतलब सुहागरात के समय, इसके लिए नई बात नहीं है। मैं इसके साथ संसार नहीं बसा सकता। अगर मैंने इसके साथ घर बसा भी लिया तो ये मुझे सड़क पर लाके खड़ा कर देगी। क्या करूं? ऐसी औरत को जिंदा रहने का हक नहीं है। मैं इसे मार दूंगा। से नफरत होने लगी। नफरत इस कदर बढ़ गई कि मैं लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाने लगा। और इसी तरह से मैंने लड़कियों को मारने का सिलसिला शुरू किया और उनको मौत के घाट उतारने लगा। एक औरत ने गलती कर दी तो सारी औरतों को गलत ठहराना गलत है। तेरे जैसे हवस के पुजारी को इस हवेली में नहीं जेल में होना चाहिए। कांस्टेबल, अरेस्ट हिम। स्नेह, फ्रेंडशिप, स्नेह का मतलब होता है अपनों से करीब का रिश्ता। कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले बढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटे से हैंडशेक से स्नेह का जन्म होता है। वो छोटा सा हैंडशेक दोस्ती को ऊंचाइयों तक ले जाता है। माँ बाप, रिश्तेदार, नातेदार भले ही कोई भी नहीं है, लेकिन हमारे पास अपने दोस्त हैं। बहुत सारी बातें हम अपने जन्म देने वालों को नहीं बता पाते, लेकिन अपने दोस्तों से जरूर शेयर करते हैं। इस संसार की कोई अनमोल चीज है तो वो है स्नेह, अपनापन, कभी ना मिटने वाला।